बिसम अलैक्म व्यवर्स आई एम जैनब बलशेद एंड यू आर ना वाचिंग वी लिटरेचर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रेंड्स आज आपको सेल एंड मालिकुलर बायोलॉजी की जो असाइमेंट नंबर टू है जू फाइव जीरो फ़ाइव की उसका सोल्यूशन बिताऊँगी और इससे पहले के सोल्यूशन को मैं स्टार्ट करूँ आपने पहले इसकी इंस्ट्रक्शनस को रीड आउट कर लेना अच्छे से पहले इसको समझ लें कि आपकी जो इसमेंट है वो ड्यू डेट के बाद जो है सबमिट नहीं हो सकेगी आपने ड्यू डेट से पहले पहले असाइनमेंट को सबमिट करवाना है और जो फाइल है वो करप्ट ना हो यानी उसमें कोई एरर ना हो और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में हो ठीक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपने वो फ़ाइल बनानी है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में और उसको आपने कॉपी भी नहीं करना कहीं से और ना ही हैंड आउट से एग्जैक्ट लिखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन रीड आउट करनी है आपको पता है चल गया जी तो असाइनमेंट टॉपिक है ड्रा दी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपने डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको पेपर पर ड्रा करना है बाय हैंड ठीक है आपने अपने हाथ से बनानी है उसके स्ट्रक्चर पेपर पर और उसके अंदर जो फास्टफोड बॉन्ड मौजूद होते हैं डीएनए में वो भी आपने शो करवाने हैं वो आपने मार्क करने आया कि ये फास्टफोड बॉन्ड मौजूद है तो आपने ड्रा दी स्ट्रक्चर ऑफ फोर बेसिस नेक्स्ट आपने क्या करना है जो चारों बेसिस डी एन ए के अंदर मौजूद होती है एडिन इन साइटोसिन एंड थायामिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी आपने ड्रा करनी है पेपर पर जिस पेपर पर आप इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे उसके ऊपर आपने सबसे पहले अपना स्टूडेंट आईडी लिखनी है नेम लिखना है उसके बाद इनको ड्रा करके और इसको अच्छी सी इसकी तस्वीर बना के स्कैन करना है और उसको फिर आपने एमएस वर्ड में जाके इंसर्ट करके डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सबमिट करवानी है फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अब मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी जो आपने बनानी है तो यहाँ पर मैंने पिक्चर्स जो हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई यहाँ आपने ये देख लें इनको मैं इंसर्ट करके आपको दिखाती हूँ कि आपने भी बाय हैंड इस तरह की पिक्चर बना के उसको इंसर्ट करना है वर्ड पे इंसर्ट वाई ऑप्शन पे जाएंगे जी तो ये एक परफेक्ट इसका मॉडल है ये देखें आप में तीनों चीज़ें जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी गई हैं वो इस एक पिक में मौजूद हैं ये मॉडल है डीएनए का डबल हेलिक्स और इसके अंदर हमने दिखाने हैं फास्ट बांड जी तो ये फ़ास्ट बांड मौजूद है ये नज़र आ रहा है आपको और यहाँ पर फाइव एंड और थ्री एंड उन्होंने एक्सटेंड करके दिखाया हुआ है इसी पिक को आपने अपने पेपर पर ड्रा करनी है ये एडिन इन गोन इनसाइट्रोसिन के दरम्यान हाइड्रोजन बॉन्ड भी शो हो रहे हैं यानी पूरी केमिस्ट्री जो है इसकी बॉन्डिंग की फासफोडाइजिस्ट्रो बॉन्डिंग की और फर्दर जो है एडिनिन इन गोन इनसाइटोसिन की स्ट्रक्चर की वो भी इसमें शो आउट है आप इसको इधर से एग्जैक्ट ये भी बना कर हैंड से कापी पर उसकी तस्वीर बनाएं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये देख सकते हैं आप कि ये फास्फेट ग्रुप उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट आपने इसी तरह ही फास्फेट ग्रुप की बॉन्डिंग शो करनी है डी में तो चले जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपको नजर आ रहे हैं साइटोसिन और गुआनिन और एडीनिन और थायामिन के दरमियान बिल्कुल सिंपल सी है आप इसको नीट और क्लीन कलरिंग करके बना सकते हैं इसके अलावा एक और दो तो अगर ये नहीं आपसे बन सकती है, अगर मुश्किल लगती है तो और भी पिक्स हैं मैं आपको वो आइडिया दे देती हूँ कि आपने उससे भी बना सकते हैं देख के जी तो एक ये पिक है इसमें से बिल्कुल ये सिंपल सी है इसको मैं इन्जर्ट करके दिखाती हूँ आपको जी तो ये डबल हेलिक्स डी एन ए की स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये जो कलरिंग की हुई है ये एडिनिन और जो साइटोसिन बेसिस वगैरह हैं उनको शो कर रहा है और ये जो है फास्फो डाइजेस्टर बांट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका क्रॉस सेक्शन लेके तो आप ये भी एक बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेस्ट जो मैंने फर्स्ट वाली आपको दिखाई है वो ही है इसके अलावा अगर आप अलग से बेसिस की जो है स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये थर्ड वन पिक्चर है इसमें मुकम्मल जो है बेसिस की जो पिक्चर्स हैं स्ट्रक्चर्स है। वो जो है यहाँ पे शो हो रही हैं आप देख सकते हैं इसमें एडी है गुआनिन है एंड साइटोसिन ये चार जो हैं आपने बनानी है और इस तरह मैं आपको ये थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ ये देखें ये इस तरह की स्ट्रक्चर आपने है बनानी है हैंड से पेपर के ऊपर ड्रा करनी है फिर उनकी पिक्चर लेनी है और उसको एम एस वर्ड में इस तरह ला के इन्जर्ट करके और डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आपने इसको सबमिट करवा देना है आई होप आपको ये समझ तो आ गई होगी इसके अलावा जो मैंने हैंड से बनाई हुई है पेपर पर वो ये पिक्चर है ये मैंने ब्लैंक पेज लिया था वाइट का कलर का और उसको मैंने इस तरह यहाँ पर इंसर्ट किया है पिक बना के ये देख सकते हैं कि पेज पर आपने सबसे पहले क्या लिखना है स्टूडेंट आईडी, फिर स्टूडेंट नेम फिर टास्क यानी असाइनमेंट नंबर टू है सॉरी और ये कोर्स कोड जो है और एडिन इन गवानिन को जो आपने इसके हेलक्स के अंदर कलर दिया है वो आपने बताना है कि ये एडिन इनको फ्लॉँ कलर रिप्रेजेंट कर रहा है गवानिन को और साइटोसिन को कलर का नेम साथ मेंशन कर देना और साथ ये मैंने हाफ पिक बनाई है आपके आइडिया देने के लिए आपने भी ऐसी पिक बना के अच्छे से ये मेरी साफ नहीं है यहाँ पर पिक्चर टूल्स में जाके कर इसफेक्ट भी दे सकें और इसे हम पिक्चर को क्लियर कर सकते हैं ठीक है इस तरह क्लियर करके आप इसको अच्छे से इंजर्ट कर सकते हैं और फिट करके वर्ड में आपने इसको सबमिट करवाना है तो ये ऊपर वाले जो मैंने दो पिक्चर्स बताई हैं आपको इनको आप ड्रा करें और सबमिट करवाएं आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो वीडियो को लाइक कर दें अल्लाह हाफिज़